यू फॉर यू वॉइस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। म्यूजिकल थर्सडे लेके एक बार फिर से हम आपके लिए आए हैं। शाम का टाइम है, हम आपको इसी तरह से जम्मू कश्मीर का टैलेंट इसी तरह से दिखाते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितना टैलेंट है और कितने लोगों में टैलेंट छुपा हुआ है, जिसको अभी फिलहाल स्टेज नहीं मिल रही, फिर भी यू फॉर यू वॉइस उनको स्टेज दे रहा है और लोग उनको सुन रहे हैं और काफ़ी प्रेज भी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो एक मेलेडी क्वीन है, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊँगा। बेसिकली तो रहने वाले कश्मीर से हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कश्मीरी पंडित फैमिली से मिलवाऊंगा जिनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत गाती हैं। और कश्मीर से जब माइग्रेशन हुई तब उन्होंने ज़्यादा टाइम तो कश्मीर में नहीं बिताया, लेकिन कश्मीर की बातें और कश्मीर के जो दिन हैं उनकी मदर और उनके फादर उनसे आज भी शेयर करते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मनीषा रैना से। तो मनीषा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं कि कश्मीर की बात करेंगे, तो ज़्यादा तो आपका बचपन नहीं बीता कश्मीर में, लेकिन मदर से तो आप बात करते होंगे क्योंकि आपकी मदर आपको कश्मीरी में कुछ सिखाती हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया। तो क्या शेयर करते हैं जब वो आपसे, क्योंकि कश्मीर का एक बात करें सूफीज़म और ट्रेडिशनल फोक बहुत ही पुराना है और एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। सर एक्चुअली कश्मीर के कल्चर के साथ हमारे यहाँ के जम्मू में जब माइग्रेशन हो गई है उनकी, तो कश्मीर के कल्चर के साथ कोई बच्चे जुड़े नहीं हैं, तो इसलिए मैं कश्मीर के कल्चर के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। मेरी मदर, मेरे फादर, हमारे घर में सब कश्मीरियत ही माहौल चलता है, तो इसीलिए मैं ये गाने गाती हूँ ताकि हमारा कश्मीरी कल्चर जो है वो लाइव रहे। तो चलो, अब बातें तो हम करते रहेंगे, कश्मीर के बारे में भी आपकी मदर से भी बात करेंगे, कब से आपने गाना शुरू किया ये भी बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं कि एक कोई कश्मीरी सॉन्ग सुना दो, फिर उसके बाद हम जो लोग हमारे साथ नॉन कश्मीरी हम उनको बताएंगे कि बेसिकली ये सॉन्ग था क्या। तो शुरुआत करते हैं कश्मीरी सॉन्ग से। बाहचे से खान मजकूर दियो में रुख सत म्यान भाई जानो म्या छिवरियु सेठा दूर तुरहाई जम लगई भाई जानो बाहचे से खान मजकूर बब्त मज गई परेशान ये लिहा पुर हम में वर व्योग सामान बब्त मज गई परेशान ये लिहा पुर हम में वर व्योग सामान अजहै बख शुन गचम जरूर दिव में रख सत म्यान भाई जानो बाहचे से खान मजकूर बायो वार थव गोश वर्यु गरे कुस्वन में खन मज बायो वार थव गोश वर्यु गरे कुस्वन में खन मज कहना करम तत में गूर गूर कहना करम तत में गूर गूर दियु में रख सद म्यान भाई जानो बाहचे से खान मजकूर। बहुत खूब मनीषा, लेकिन इसका थोड़ा सा जो लोग कश्मीरी जैसे मुझे भी नहीं समझ आती है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था लेकिन फिर भी ऑडियंस के लिए कि इसका क्या मतलब था इस सॉन्ग का। ये एक लड़की है, उसकी विदाई टाइम है उसका जी, तो जी, वो अपने फैमिली में फर्स्ट में पैरा में मैंने ये बताया कि वो अपने फादर को बोल रही है कि आप मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो मेरे बाद अब मतलब रोना मत, खुश रहना आप। सेकंड वाले में वो अपने भाई को बोल रही है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, अब यहाँ पे तो मेरे को सब अच्छे प्यार से रखते थे, अब मैं दूसरे घर जा रही हूँ, वहाँ मेरे को कोई इतने प्यार से नहीं रखेगा। वेरी गुड मनीषा, जिस तरह से लोग आजकल हिंदी सॉन्ग्स की तरफ जाते हैं, पॉप गा रहे हैं, रैप कर रहे हैं, लेकिन अपना जो ट्रेडिशन है, अगर हम रीजन की बात करें, जम्मू की डोगरी रीजनल लैंग्वेज हो गई, कश्मीर की कश्मीरी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है लोग उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं, अगर फोक की बात करें, कल्चर की बात करें, सिंगिंग की बात करें, कुछ भी। जी, मैंने यही आपको बोला कि कश्मीरी कल्चर के साथ बच्चे टच में नहीं हैं आजकल मोस्टली, तो इसलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने कल्चर के साथ वो जुड़े रहें, अपनी कश्मीरियत को ना भूलें। सिंगिंग में तो मैं भी हिंदी सॉन्ग गा लेती हूँ, पंजाबी गा लेती हूँ, लेकिन कश्मीरी जो है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती, कश्मीरी को बहुत आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं कश्मीरी सॉन्ग्स गाऊंगी, गाती हूँ, गाऊंगी और गाती रहूंगी।
क्या बात है। हमारे साथ इस टाइम मनीषा जुड़े हुए हैं। अभी आपको उन्होंने कश्मीरी में भी सुनाया, बहुत अच्छा गाती हैं कश्मीरी में, और इन्होंने मैं अप्रोच किया था तो उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया, तो हमने आपको इस टाइम जो है मनीषा आपके साथ लाइव हैं, तो मनीषा आपको और भी सुनाएंगे कश्मीरी में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर हम बात करें कुछ देर पहले की, तो फिलहाल आज के टाइम तो कुछ हालात जो है साजगार नहीं है कश्मीर के, लेकिन कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब कश्मीरियत इतनी ज़िंदा थी कि उस टाइम कश्मीरी पंडित के घर में भी जब कोई शादी ब्याह का कोई भी फंक्शन होता था तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग स्पेशली आते थे और वहाँ पे जो है गीत संगीत का कार्यक्रम होता था और इतना भाईचारा बना हुआ था। फिलहाल हम तो आज भी आशा करते हैं कि वही भाईचारा वापस आए, और जिस तरह से कुछ हालात थोड़े से ख़राब हुए उन हालात पर थोड़ा सा जो है अंकुश लगे। तो फिलहाल मनीषा की मदर भी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जिस टाइम वो कश्मीर में थे तो उस टाइम क्या हालात थे और उस टाइम किस तरह से कल्चर जो कश्मीर का जो है बहुत ज़िंदा था। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीता जी। रीता जी ये बताइए कि अगर बात करें कश्मीर की, तो जिस टाइम माइग्रेशन से पहले आप लोग वहाँ थे, तो शादी ब्याहों की अगर बात करें तो हमने भी सुना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आपके साथ जो है शादी ब्याह में शामिल होते थे, तो क्या होता था थोड़ा सा बताएंगे आप? शादी ब्याह में आते थे, मुस्लिम भी आते थे, इकट्ठे करते थे, गाते थे, उनके लिए अलग खाना बनाते थे, इकट्ठे काम भी करते थे, वही ज़्यादातर तो वो इकट्ठे मिलजुल के करते थे काम। कोई मरता था तो वही सारा काम करते थे, बाहर बाहर का काम वही मुस्लिम ही करते थे। आज भी हम वो बहुत मिस करते हैं कश्मीर अपना। तो कश्मीर कितना मिस करते हो? बहुत मिस करते थे हम, तब भी जाते थे, हम माइग्रेशन के बाद गए, बहुत बार घर जाते थे, मगर अब हालात ही खराब हो गए तो अब जा नहीं पाते थे, अब जा नहीं पाए। तो वहाँ मुस्लिम बहुत वो याद भी करते हैं, वो रोज़ फ़ोन करते हैं, आओ 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 ना इधर हमारे साथ इकट्ठे बैठेंगे। अब कहाँ, हालात ही ऐसे ही हो गए तो जा नहीं पाते हैं। तो मनीषा की मदर है हमारे साथ, जिन्होंने किस तरह से बताया कि कितना अच्छा भाईचारा था उस वक्त जब ये यहाँ पे माइग्रेशन से पहले कश्मीर में थे। तो फिलहाल आशा तो यही है कि फिर से वही हालात जो है उसी तरह से हो जाएं और ये लोग फिर से वापस अपने घरों में जब भी जाएं या इनको जाने का मौका मिले तो वही वैसा ही जो है एटमोसफियर, वैसा ही वातावरण मिले। तो फिलहाल मनीषा हमारे साथ है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मनीषा से एक और कश्मीरी में कुछ सुनेंगे क्योंकि ऑडियंस की अभी डिमांड हो रही है कि कुछ और कश्मीरी में अगर आप सुनाएं। ओ बब म्याने ओ म्यारिंग मई माज सुतीनम इनो मशराब हम यकदम मैं वरवेन छुई करुन सरखम हो हता म्यानी बाबो वन कस दिख नाद ब्रात माज गच नई म्यानी हक बड़ी जहामा वन मुत में आसी तथा में माफी दीजम यिनो में मशरावक बनीरित उश त्रावक छुई से म्योनी कसम बाबो हो हो हो, हो। ये कुछ मतलब फादर के लिए ना, हाँ ये भी फादर के लिए है कि मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। मोस्टली मैं यही गाने गाती हूँ जो इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं, तो वही ज्यादातर मैं मुझे भी समझ आ गया थोड़ा थोड़ा कश्मीरी। तो इसके अलावा मनीषा आपकी अगर हम बात करें एजुकेशन, उसमें क्या चल रहा है थोड़ा सा? मतलब मैं मास्टर्स कर रही हूँ इस टाइम साइकोलॉजी में, कॉरेस्पॉन्डेंस में मास्टर्स कर रही हूँ, साथ में मैं ट्यूशंस लेती हूँ अपनी शाम को, तो यही है मेरा शेड्यूल। तो अब मतलब आप इतना अच्छा गाते हो, तो गाने के साथ साथ अगर आप इस गाने को ही अगर आगे ज़्यादा बढ़ाना हो तो अब कुछ आप सीख भी रहे हैं किसी के साथ? अभी मैं सीख नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने सीखना है, मेरी मास्टर्स जैसे ही ख़त्म होती है, बस इस ईयर में ख़त्म हो जाएगी, देन उसके बाद मैंने सीखना है किसी राजेश खर जी से मैं सीखूँगी। तो मनीषा अगर हम बात करें कि आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि रीजनल जिस तरह से रीजनल लैंग्वेज का लोग जो है बोलने में शर्म करते हैं, कश्मीरी या डोगरी या कोई भी भाषा हो तो थोड़ा सा शर्म महसूस करते हैं, तो आपकी तरफ से यंग जनरेशन को क्या मैसेज रहेगा? अगर वो गाते भी हैं तो क्या वो रीजनल लैंग्वेज में नहीं गाते, तो क्या मैसेज है आपकी तरफ से? उनको रीजनल लैंग्वेज में गाने की एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए, वो जितना वो ट्राई करेंगे, जितना वो अपने घर में बोलचाल
करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, उतना ही ये हमारा कल्चर जो है आगे बढ़ेगा। हमारे मतलब पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ कश्मीरी में ही बात करें, जितनी ज़्यादा वो कश्मीरी में बात करेंगे उनके बच्चे उतनी ज़्यादा कल्चर के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे पेरेंट्स ही पहले बच्चों के साथ कश्मीरी में बिल्कुल बात नहीं करते हैं, वो खुद ही पहले हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे ही बच्चा अभी बोलने लग पड़ता है तो वो इंग्लिश में बात करते हैं उसके साथ। इंग्लिश तो वो बाद में भी सीख लेता है, स्कूल टाइम में भी बच्चा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले कश्मीरी ही वो उसको सिखाएं, या डोगरी या पंजाबी जो भी हैं, ताकि वो अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहे, तो आगे ही उसमें जाके कोई उसका टैलेंट भी हो तो कश्मीरी अपने उसी में रहे। बहुत अच्छा मनीषा, हम लोगों का ये जो एक प्लेटफॉर्म देने का जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया है कि आप लोग अगर आप में कोई भी हुनर है, आप में कोई भी आर्ट है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि आप लोग अपने रीजन के साथ जुड़ें, आप लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ जुड़ें, आप अपने फोक के साथ जुड़ें। अगर आप डोगरी में गाते हैं तो आप अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करें, अगर कश्मीरी में गाते हैं तो कश्मीरी को रिप्रेजेंट करें, और मिक्स गाते हैं तो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करें, ताकि हर एक स्टेट की तरह हमारे जम्मू कश्मीर का जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी जो है प्ले जो उसको एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म मिले। जिस तरह से मनीषा ने बात की, कश्मीरी में वो गाती हैं, चाहे वो हिंदी में भी गा लेती हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि अपनी मातृभाषा जो कश्मीरी है या आप लोगों की डोगरी है, जो भी है, आप उसमें गाएं, ताकि जम्मू कश्मीर का नाम कहीं ना कहीं रोशन हो। तो मनीषा, इंटरव्यू के अंतिम पलों में आखिर में कोई मतलब कुछ और सुना दीजिए, अब इमोशनल ना कुछ और भी सुनाई होंगे, ऑडियंस इमोशनल सुन सुन के रोने ना शुरू हो जाए। पछा वो तुम गशकरान देवान खान जानी जानानो चानी बापत, पछा वो तुम गशकरान देवान खान जानी जानानो चानी बापत, जानी जानानो अश्क बेजानो जानी जानानो चानी बापत, आकि दो नशास गाड़ तलानो हश मजस गने गंजरान, तैमे मंज गाड़ कल गब गसानो जानी जानानो चानी बापत, आकि दो नशास ह्योर खसानो जम देद अस पत पत पकान, काड़ कल कोड़ नस्तिल दज सानो जानी जानानो चानी बापत, पछा वो तुम गशकरान देवान खान जानी जानानो चानी बापत। इस सॉन्ग में मैं यही पूछना था, मुझे ये समझ नहीं आया। इस सॉन्ग में सास और बहू का बताया हुआ है कि नहीं बहू अपने हस्बैंड के लिए क्या एक वो फिश फ्राई कर रही है, उसने वो मतलब फ्राई करते करते ही उसमें से जो मछली का सिर है वो उसमें से गायब हो जाता है, उसकी सास वो देख रही होती है। उसके बाद वो ऊपर अपने रूम में जाती है, वहां पे उसने छुपा के रख दिया होता है वो जो अपने हस्बैंड के लिए उसने रखा है, तो पीछे उसके ननंद आके वो देख लेती है कि उसने छुपा के रखा है, तो वो जहाँ उसने छुपाया होता है उसमें से वो निकाल लेती है। वैसे ये लास्ट सॉन्ग सुना था, लेकिन अब एक और सुनना है क्योंकि कमेंट्स बड़े ज्यादा आ रहे हैं और ये सॉन्ग की बड़ी अच्छी डिमांड आई है, तो एक और कोई इसी तरह का आप सोच लो, तब तक मैं अपने ऑडियंस से बात कर लूं। अभी हमारे साथ काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोग कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं और अच्छी जो है जो कमेंट्स भी आ रहे हैं मनीषा के लिए। सुमित जी कमेंट कर रहे हैं कि थैंक गॉड आपने कश्मीरी में कुछ सुनाया, ज्यादातर हम डोगरी में सुनाते हैं। तो सुमित जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, सिर्फ हम डोगरी नहीं सुनाते, कुछ दिन पहले हमने किश्तवाड़ से भद्रवाह से भी एक पूजा भारद्वाज करके हैं, उन्होंने उनको भी लाया था और उन्होंने भद्रवाही में और कश्मीरी में भी सुनाया था। हम लोगों को जो भी लोग अप्रोच करेंगे, हम कोशिश करते हैं उनको ये दिखाने की, जिस तरह से मनीषा ने अप्रोच किया, हम लोगों ने कश्मीरी में आपको सुनाया। सो जो लोग हमें अप्रोच करेंगे हम उसी तरह से सुनाएंगे, हम सिर्फ डोगरी ही नहीं सुनाते, तो जिस तरह के लोग अप्रोच करते हैं वही तरह सुनाते हैं। तो आप अगर हमारा कंटेंट रेगुलरली देखते हैं तो फिर मुझे लगता नहीं कि इस कमेंट का कुछ बनता है। तो मनीषा, कुछ लोग थे कमेंट्स कर रहे, तो मैं थोड़ा सा उनको भी रिप्लाई करना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस जुड़ जाती है और बड़ा अच्छा लगता है उनको भी 1-to-1 करने का, जिस तरह से हम लाइव होते हैं। तो मनीषा, तो अंत में एक और सॉन्ग, क्योंकि बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस जो जुड़ी हुई है थोड़ा सा और आपकी खूबसूरत आवाज़ सुने। इमोशनल सॉन्ग और ये ऐसा मजाक वाला कुछ। अच्छा सुना दो, इमोशनल दो सुना दिए, दूसरा मिक्स कर दो, इमोशनल और दोनों इकट्ठा मैश अप कुछ कर दो। कदम चित्रावते अस्त
शीश हेर वरिव खस्त कदम त्रावत अस्त शीश हेर वरिव खस्त हत मीन मजिच क्या सोचान मेह कुचो नी छुम फेरान गच वरिव बजाच गस्त शीश हेर वरिव खस्त कदम त्रावत अस्त शीश हेर वरिव खस्त रेल में तना न न तना न न होय होय रेल में तना न न तना न न होय होय रेल में बैठे थे दो कश्मीरी रेल में बैठे थे दो कश्मीरी रेल में होड़ व्यड़ो हाय हाय रेल में तना न न तना न न होय होय थैंक यू बहुत खूब ये तो लास्ट वाले में तो आपने समय बांध दिया सो मनीषा रैना थी हमारे साथ आज ऑडियंस ने म्यूजिकल थर्सडे को काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि कश्मीरी में पहली बार हमारे साथ कोई लाइव आए थे और हम कोशिश करेंगे अगर आप में भी कोई टैलेंट है चाहे कश्मीरी में चाहे डोगरी में चाहे हिंदी में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यू फॉर यू आपके पास आएगा और आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएगा तो फिलहाल जाते जाते एक मेरा छोटा सा मैसेज कि जो कश्मीरियत पहले के टाइम पे कश्मीर में जिंदा थी हम आशा करते हैं कि वो कश्मीरियत एक बार फिर से वापस आए और कश्मीर फिर से वही जन्नत बेनजीर कहलाए आशीष कोहली कैमरामैन संदीप सिंह के